हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आइटॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे WRX टोकन के बारे में। बहुत सारे लोगों का यहां से मेरे को मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर कि WRX टोकन के बारे में कुछ बताओ, इसका प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किस टाइम पर हमें एंट्री लेनी है, किस टाइम पर एग्जिट लेनी है। तो यहाँ पर दोबारा मैं आपको एक इसकी एक टेक्निकल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 115 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे प्राइस ड्रॉप भी आया था, 109 तक गया था, अभी 115 तक चल रहा है। कितना प्राइस ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा प्रोफेशनल व्यू देखना पड़ेगा। यहाँ पे INR और USDT दोनों में बताऊँगा। सबसे पहले USDT पेयर में देख लेते हैं। यहाँ से मैं WRX को यहाँ पर USDT में शो कर रहा हूँ, ग्राफ सेम ही मिलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले USDT में देख लेते हैं, फिर उसी को INR के अंदर भी यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप FOFX पे जाके यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप कर सकते हैं, तो आपको अलग से लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपको दिख जाएगा कि आपका जो मिनिमम सपोर्ट बन रही है और रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पर बन रही है। तो अभी जो फर्स्ट पॉइंट है, अभी ये यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आ रहा है। अभी इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो ये प्राइस चल रहा है। अब इस प्राइस से या तो यहाँ तक ये ऊपर जाएगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है, इसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं करता तो आपका प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो कि एक अच्छा बाइंग पॉइंट है यहाँ पे। और यहाँ से अगर बाई करते हैं उसके बाद फिर से ही इसको टच करने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि काफ़ी दिनों तक ये ऐसे ही चलता जाए, ऊपर जाए, नीचे आए, यहाँ से ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे आ जाए। अगर तो ये ब्रेक कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता तो ये इसी में घूमता रहेगा। अगर ब्रेक कर देता है, जैसे यहाँ पे उसने ब्रेक करने की कोशिश करी थी लेकिन कैंडल जो है वो इतनी बड़ी नहीं बन पाई, तो इस वजह से इसको वापस नीचे की तरफ आना पड़ा। और अभी जो है वो यहाँ पे $1.469 के ऊपर ये अभी ये घूम रहा है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा ऊपर है तो अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जस्ट अभी इसने रिसेंटली यहाँ से हाई करके यहाँ से नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है। तो अभी ये हो सकता है कि थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में होगा, तो अभी आपको यहाँ पे इसको बाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब थोड़ा सा नीचे आएगा तब यहाँ पे इसको हम एक बाइंग पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करें तो यहाँ से थोड़ा और बेटर वे हमें देखने को मिल जाएगा। सो ये इसका ओवरऑल पैटर्न था, जो कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली डाउनवर्ड ट्रेंड में था। अगर यहाँ से मैं एक लाइन भी ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ से भी आपको थोड़ा ईजी वे में समझना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे ये आपका डाउनवर्ड ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, और यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस देखने को, अगर यहाँ पे बात करें, ये वाला जो पॉइंट था यहाँ पे काफ़ी देर इसने स्टे किया था, इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी देर रहा है, और अभी भी यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये काफ़ी देर यहाँ पे स्टे करेगा। तो यहाँ से एकदम, पिछली बार भी क्या हुआ था, यहाँ से स्टार्टिंग में एकदम यहाँ से इसने एकदम पंप कर दिया था। मतलब आप याद रखें, यहाँ पे जो इसका प्राइस था एक ही दिन में या दो दिन के अंदर ये अपने टॉप पॉइंट के ऊपर पहुँच गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली ये डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर जो है ये आ रहा है। तो मैंने लास्ट की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि WRX जो है ये आपका डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, आपको किस पॉइंट पर एंट्री लेनी है वो आप यहाँ से कुछ एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए एक थोड़ा सा ईजी वे हो जाएगा। तो आपको जस्ट एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है, क्योंकि जब भी इसी तरह का ट्राइंगल जब ड्रॉ होता है यहाँ से, या तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। तो अगर तो मोस्टली न्यूज़ भी नेगेटिव आ रही है और है भी वो डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो चांसेस होते हैं कि वो नीचे की तरफ ही आपका डाउनवर्ड में जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये सबसे बड़ी इसकी सपोर्ट है। यहाँ से ये एक बार तो यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ से इंस्टेंट ये ऊपर की तरफ उठ गया था। अब वापस अगर यहाँ पे आता है तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग पॉइंट मिलता है, आप यहाँ पे इसको बाई कर सकते हैं। बाई करेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। और इसके अलावा जो इसके लेवल्स हैं वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि पहला जो है वो रेजिस्टेंस $1.7 के आसपास जाएगी, उसके बाद ये $2 के आसपास टच करेगा। अगर $2 को ब्रेक कर देता है देन $2.8 के पास जा सकता है। अगर 2.8 अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर देता है देन नेक्स्ट जो बनती है वो $4.4 के आसपास बनती है, तो $4.4 के आसपास भी ये पहुंच सकता है। अब यहाँ पे अगर INR के अंदर बात करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमने चेक कर लिया है, INR के अंदर अगर चलते हैं यहाँ पे, तो INR के अंदर अगर मैंने डे वाइज चेक करूँ तो डे वाइज भी इसका जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे भी अगर इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, यहाँ पे फुल स्क्रीन में ले आते हैं, तो यहाँ पे भी अगर हम चेक करें तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये वाला जो था, यहाँ पे ये इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं,
ये इसका स्ट्रॉन्ग स्पॉट पॉइंट है। यहाँ पे आने के बाद अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक दिन में या तो ये यहाँ तक जा सकता है। अगर एक दिन में ये इस पॉइंट तक चला जाता है तो इस पॉइंट के बाद वो अगले दिन जो है वो डाउन ही जाएगा। तो अभी तो ऑलमोस्ट ये इस लाइन को टच करने के आसपास घूम रहा है। तो अगर यहाँ से अभी जो मार्केट आप देख रहे हैं कि अभी ये डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है। एक दिन इतनी जाए, एक दिन इतनी जाए और एक दिन इतनी जाए, तो 3 दिन तक आपको वेट भी कर सकते हो। अगर आपने देखा भी होगा कि वीकेंड पे मार्केट जो है वो नीचे चली जाती है, तो और जब वीकडेज़ शुरू होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये वीकेंड आते हैं तो ये मार्केट हमारी यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाती है, तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो ऐसे ही हो सकता है कि अभी मार्केट यहाँ ऊपर गई, उसने टच करने की कोशिश की। अगर करेगा भी तो यहाँ पे मैक्सिमम इस पॉइंट तक ये जा सकता है, इस पॉइंट के बाद वापस इसको फिर से यही डाउनवर्ड ट्रेंड में आना पड़ेगा। तो जब ये इस तरह से डाउनवर्ड ट्रेंड में आएगा तो उसके बाद फिर से ही ऊपर की तरफ टच करेगा। तो हमें इस पॉइंट तक का वेट करना है। यहाँ पे आएंगे तो यही हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन होगी। और अगर ये गलती से इसको ब्रेकआउट कर देता है, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये एक इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। कौन सी इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर इनकेस अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला आप देख सकते हैं, तो पहले तो इसको ब्रेकआउट करेगा, इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट करेगा। तो अगर ये इस वाले पॉइंट को ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ से एक अच्छा इसको देखने को मिलेगा, बट उसके लिए इसको यहाँ से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक पॉइंट जा सकता है। तो अगर यहाँ तक ये जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट इसको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पर इसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो सेकेंड पॉइंट इसका ये आ जाता है जो उसकी आपकी रेजिस्टेंस बनेगी। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो सीधा यहाँ तक जाएगा, फिर इसके और इसके बीच में घूमता चला जाएगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद नीचे आता है, तो फिर ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो आपको यही देखना है, जब नीचे आएगा तो बाय करना है, ऊपर आएगा तो सेल करना है। आप ऐसे दिन में 4-5 बार ट्रेड कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा यहाँ पे कि अगर पर डे के अकॉर्डिंग देखें, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है कि एक दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन तक वेट करना पड़ेगा, तब जाके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो कितना यहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है। अब अगर इसको वीकली के अकॉर्डिंग देखें या आवरली देखें, तो यहाँ पे इसको 4 आवर्स के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो 4 आवर्स के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखोगे तो तब भी आपको सेम वैसा ही मिलेगा, कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट चार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैं RSI इंडिकेटर यूज़ कर लेता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ से आपको एक काफ़ी अच्छी वो वैल्यू मिल जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 30-70 के बीच में होती है। तो मैंने बाकी वीडियोस में भी डिस्कस किया था, जब भी इसकी वैल्यू 30 के आसपास आती है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन मिलता है, और जब भी इसकी वैल्यू 70 के ऊपर आती है आपको यहाँ पर सेल करना है, और जब भी आपको 30 के आसपास मिलती है आपको यहाँ पर बाय करना है। अब ये दो चीज़ें तो होगी कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, लेकिन इसके अलावा और भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। कि पहला पॉइंट जो है कि अगर तो वैल्यू फर्स्ट 30 के आसपास है तो वो पॉइंट तो हो ही गया। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी फर्स्ट कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन है और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी हाई होनी चाहिए, लेट से वॉल्यूम भी हाई होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल भी हाई होनी चाहिए पिछली कैंडल से, और उसकी वॉल्यूम जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी 5 मिनट की, उसकी वॉल्यूम भी हाई होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पे बाइंग पॉइंट के ऊपर एंट्री लेनी है, तब आप बाई कर सकते हो। और यहाँ पर आपको देखना है कि ये 30 पे है और उसकी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन है, उसके नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन है, तो यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एंट्री ले ली, और यहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स होते हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ से मैंने हटाई हुई है, वॉल्यूम आप यहाँ पर इंडिकेटर्स पर जाके सेट कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट आपके वहाँ पर वो शो कर रहा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर वॉल्यूम हटा दी थी ग्राफ को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है यहाँ से आपको शो हो जाएगी। अब जैसे देखो कि ये वाला जो ग्राफ था, ये कैंडल ग्रीन थी, वॉल्यूम भी हाई थी, उसके बाद ये कैंडल ग्रीन है, इसकी वॉल्यूम भी हाई है, और RSI की वैल्यू भी 30 से नीचे है, तो आपको यहाँ पे 30 के आसपास है, तो यहाँ पे आपको बाइंग एंट्री ले लेनी है, तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है। ठीक है, और अब जैसे ये वाली कैंडल की बात करेंगे, अगर इस कैंडल की बात करेंगे, इस कैंडल में यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ये है तो ग्रीन है, ये वॉल्यूम भी इसकी हाई है, लेकिन जो सेकंड कैंडल बनी वो मान के चलो पिछली कैंडल से हाई है, पिछली कैंडल से हाई है, लेकिन वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो कम है, वॉल्यूम लो है, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है। अगर आप एंट्री ले लेते तो यहाँ पे आप देखो साइडवेज में फंस जाते, यहाँ पे सेम कॉन्स्टेंट
पॉइंट जो है वहीं पे फंसा रहता, तो आपकी सिर्फ ब्रोकरेज ही बड़ी मुश्किल से निकल पाती। तो यहाँ से आपको ये दो चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है जब भी आप यहाँ पे इस चीज़ को, अगर आप ग्राफ्स को एनालाइज करते हो, तो RSI इंडिकेटर को यूज़ करके कुछ जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप उसको यहाँ पे देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। जहाँ पे देखो वैल्यू ज़्यादा ही नीचे चलेगी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ही सेलिंग हो चुकी थी, और उसके बाद जब ज़्यादा सेलिंग हुई तो लोग डेफिनेटली अब बाय करेंगे, जब बाय करेंगे यहाँ पर सीधा ऊपर चला गया। तो आप ये इंडिकेटर्स लगा के रख सकते हैं, अगर आप एवरी डे ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। उससे पहले जैसे एनालिसिस की बात करें, अगर हम 15 मई या 14 मई तक की बात करें, उस टाइम पर हमारा जो पैटर्न बन रहा था वो ये पैटर्न बन रहा था। उस टाइम पे हमारा जो पैटर्न ये आ रहा था, उस टाइम पे ये था कि अगर यहाँ से इसको ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये इस पॉइंट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। लेकिन हुआ क्या, यहाँ से ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से ये इसको नीचे की तरफ आ गया। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, ये वाली जो कैंडल बनी है ये नीचे की तरफ आ गया। तो आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो अगर आप ये ट्राइंगल बना रहे हो और यहाँ पर आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं कि अगर इसके नीचे आता तो ऑटोमेटिकली सेल आउट हो जाए, राइट, क्योंकि हमें यहाँ तक इस पॉइंट तक हमें अपना लॉस नहीं करना था। तो अगर यहाँ पे आता है तब यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इतना लॉस हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर खरीदते हैं तो हम इतना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो इतने लॉस की बजाय इतना प्रॉफिट ज़्यादा बेटर है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान पे रखनी है, कब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे ये करना है। तो मैंने आपको पैटर्न बना के दिखा दिया। आप ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रीमियम अकाउंट मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर। और इसके अलावा अब यहाँ से तो ये था कि 10 दिन पहले की एनालिसिस, 10 दिन पहले की एनालिसिस ये बोलती थी, आज की एनालिसिस ये बोलती है। तो ये एवरी डे चेंज होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो अभी की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दी कि ये वाली स्ट्रैटेजी अभी हमारे पास बन के आ रही है कि अभी यहाँ पे ये घूम रहा है, तो यहाँ से ब्रेकआउट करना अभी के लिए फ़िलहाल मुश्किल हो सकता है। ये डेफिनेटली एक बार इस पॉइंट को एक बार ज़रूर टच करेगा। तो एक बार जब ज़रूर टच करेगा तो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन है, आप अपने जितने पुराने लॉसेज हैं वो रिकवर कर सकते हैं, राइट। सो इससे नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जाएगा तो फिर वो यहाँ पे इस पॉइंट तक जाएगा जहाँ पे बहुत देर ये टिका हुआ था, काफ़ी टाइम से यहाँ पे ही ये टिका हुआ था। तो मैक्सिमम वहाँ तक जा सकते हैं, तो हम एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, राइट। तो अगर जाएगा तो इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा और ईज़िली हमारी वो भी रिकवरी हो सकती है। सो होप आपको WRS के बारे के अंदर मैंने पूरी एनालिसिस करके बता दी। इसके रिलेटेड स्टिल आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप ये बताएं कि आपने किस प्राइस के ऊपर बाय किया हुआ है, ताकि पता चल जाएगा कि ज़्यादातर लोगों ने किस प्राइस के ऊपर WRX को बाय किया हुआ है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। थैंक यू।